अस्सलामुअलैकुम, क्या चाल है? सबका ठीक ठाक है? अच्छा, तो पहली बात कि मैं तो बहुत मदद हुआ हूँ कि मेरी वीडियो काफ़ी देर बाद आई है। उसकी रीज़न कुछ ये थी कि मैं यूनिवर्सिटी के कामों में मसरूफ़ हो गया था, मेरा लास्ट मैसेज चल रहा है। अच्छा, तो ये मेरे कुछ एक्सक्यूज़ है कि मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहा था कुछ दिनों से। ये कि पहले तो यूनिवर्सिटी जा रहा था, उसके बाद यूनिवर्सिटी ये थी कि 12 बजे मैंने उठना होता था। दिन की रूटीन ये थी कि 12 बजे उठ के तो फिर यूनिवर्सिटी के लिए जाना होता था, फिर उधर से 7-8 बजे मैं घर आता था। तो व्लॉगिंग का टाइम नहीं था मेरा तो, लेकिन मैंने इस दफ़ा इस वीक मैंने कहा था कि मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपसे ये है कि सैटरडे और संडे इंशाल्लाह व्लॉग आया करेगा। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी है कि आज हम ट्राई करेंगे चीप प्राइस में जो भी हमें खाने को मिलेगा, जैसे समोसा हो गया, चिप्स वगैरह, फिर गोला, कुछ ऐसी चीज़ें हम ट्राई करेंगे आज। तो अभी जाना है मुझे फिज़ान के पास को लेना है, लेकर फिर हमारा कुछ 2-3 स्पॉट होंगे जो आज हम ट्राई करेंगे। कल कम्बो वाले पास आ गए समोसा खाने में। चलो मेरे साथ फिज़ान भाई है। अब अभी हम समोसा ऑर्डर करते हैं, फिर बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है। चलो ऑर्डर दो भाई, ऑर्डर दो सिंगल सिंगल। बाकी आ चुके हैं, अब खा के चेक करते हैं कैसा टेस्ट है, फिर आपको बताते हैं। तो पहले हम सबसे पहले गए पीपल्स कॉलोनी में समोसा खाने, जो कि बहुत ही मज़े का था। 40 रुपए का एक समोसा था, लेकिन ये थे कि उसमें पैसे पूरे करवाए थे। तो यार इसकी लोकेशन ये है अल कम्बो वाले हैं, तो ये पीपल्स कॉलोनी की जगह पे है। यहाँ पे अंडर पास है, इसके बिल्कुल सामने है मस्जिद के नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मस्जिद है, बिल्कुल मस्जिद के नीचे है। यार क्या कमाल के उसके समोसे हैं, 40 का एक समोसा है, मतलब दो खाए तो फूल हो जाए। हमारे साथ ये फिजान भाई आप इसकी पहली पहले बहन थी, अभी इतनी असर करती है। खैर अभी जाते हैं अगले स्पॉट पर, देखते हैं समोसा। तो उसके बाद हमने मिल्क मार्गरीटा पिया, जो कि देसी तरीके से हमने बनाया था। मिल्क मार्केट है, इन्होंने पहले मसीद पुदीना डाला, उसको ग्राइंड किया, फिर उसके बाद फिर बर्फ डाली है, फिर स्प्राइट डाली है, फिर अब ये हमारा देसी मार्केट है तैयार हो गया है। और ये इसकी लोकेशन ये है कि ये मॉडल टाउन में है, नजर नहीं आ रहा जो भी नाम है इसका। ये मॉडल टाउन में है, पार्क के सामने। ये अमेरिकन बेकरी है, उसके बिल्कुल सामने है मॉडल टाउन में। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये भाई कैसा टेस्ट लगा आपको? फ्री का तो अच्छा ही होता है फिर भी तो नहीं नहीं फिर भी बताओ। अच्छा चलो जी, मैं फ्री की चेक करवाता हूँ। मज़ेदार यार, बड़े किस्म का ये है, ठंडक पहुँची अंदर भी। बाबा गुलाम अमेरिकन बेकरी को बिल्कुल ये था कि एक मतलब अच्छा टेस्टी था मिंट मार्गरीटा, जो कि हमें तकरीबन
₹80 का शायद छोटा ग्लास मिला था और जो बड़ा ग्लास है वो ₹120 का है। तो उसकी लोकेशन दी थी कि मालटाउन में, गुजरावाला मालटाउन में अमेरिकन बेकर्स है उसके सामने है, बाबा गुलाम कुछ ऐसा नाम था। तो ये उस मिनबार की डेटा पिया के बाद फिर हम चले गए राव वाली कुल्फी खाने, कुल्फी जो कि सलमान कुल्फी थी, काफ़ी मतलब कि फेमस है, जो गुजरावाला में रहते हैं उनको तो मस्ट पता होगा ना कि ये कुल्फी कैसी की है। उधर उधर से हम कुल्फी खाई और ये हमारा नेक्स्ट स्पॉट जो था वो था सलमान कुल्फी वाला, ये राव वाली बड़ी कमाल की कुल्फी जो गुजरावाला रहते हैं उनको पता होगा। उसके बाद आई थी मेन चीज हमारी गोला यार, उसने पैसे पूरे करवाए, उन्होंने डाली बर्फ, इरम साहब बनाया हुआ था वो डाला, उसके बाद उन्होंने डाला उसके ऊपर खोया। उसके बाद उन्होंने मुरब्बा डाला जो कि मिस किया हुआ था, तो एक मेरे ख्याल से मैंगो का मुरब्बा था, एक सेब का मुरब्बा था, कुछ ऐसे ही मुरब्बे थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने चॉकलेट डाली, फिर उसके बाद उन्होंने चॉकलेट था पीसी हुई थी वो डाली, फिर उसके बाद चिप्स डाली, चॉकलेट चिप्स डाली, फिर उसके बाद उन्होंने पिस्ता डाला, बादाम डाले। सीरम तैयार किए हुए थे कोई, मतलब कि कोई खोया टाइप था और कोई मेल्ट की हुई जो चॉकलेट थी ना वो उन्होंने उसके गोले के ऊपर डाली और सारे पैसे इसके क्या कुछ डाला हुआ है। अरे इसके अंदर बड़ा पैर, उसके बाद मेवे हैं, उसके बाद बंटीज है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, बड़ा कुछ है, समझ नहीं आ रही, लेकिन ये है कि पैसे पूरे हो गए, 250 का है। वीडियो में देख लिया होगा कैसा गोला था यार, उस गोले ने पैसे पूरे करवाए थे। और इसकी लोकेशन ये थी कि आप अगर सियालकोट बाईपास से आते हो तो सियालकोट रोड पे एक मुगल चौक के बिल्कुल सामने उन्होंने एक रेड़ी से लगाई, तो ये उनका मतलब कि स्टॉल था, तो कोई बड़ी सी शॉप नहीं है, सिर्फ एक रेड़ी है, वहाँ पे आसपास लोग हैं, तो कुर्सियाँ दी हुई हैं बैठने के लिए, वहाँ पे फैमिली का भी थोड़ा सा है अरेंजमेंट, शॉप है उनकी थोड़ी सी छोटी सी। तो आज की वीडियो ये थी, आज मैं सोच रहा था कुछ एक्स्ट्रा बड़ी मतलब वीडियो बनाई, लेकिन ये था कि टाइम कम था मुकाबला सकता, तो इसलिए हम थोड़ी सी चीज़ें ट्राई कर सके। अब मेरी एक मेन जो चीज़ थी वो थी गुलाब जामुन, जिसको हम ढूंढ ढूंढ के हमें मिले ही नहीं है, जिस तरह के मैं चाह रहा था कि कोई ताज़ी चीज़ मतलब ताज़े रस वो मिले मुझे और वो टेस्ट करूँ, लेकिन वो जहाज पे हमने खाने थे जलंधर वाले वो हमें मिले नहीं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।